बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नशीर हैदर और आप देख रहे हैं गुरु वाइब न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल। और जो प्रोग्राम है एक मुलाकात, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे अव्वल के नतीजे महाफिल बल्कि बैन अवी सतह पर भी दूसरे ममालिक में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवा चुके हैं, जिसके तिहाई की पहचान है पाकिस्तान के चारों सूबों में जी। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ज़्यादा जो रिवाइज चैनल और आपके प्रोग्राम एक मुलाकात के लिए मैं एक साल रिमांड करता हूँ। हमारे पास आपको पूरी तरह फरमाइश और आपकी पूरी टीम की दुआ करता हूँ। आपकी आवाम रखते लाजवाल नजर पर से महसूस फरमाएँ। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि कब से इसका आगाज़ किया और कैसे किया, तो मैं बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब स्कूल टीचर थे और उन्होंने मुझे पाँचवीं क्लास में पहली तकरीर याद करवाई स्कूल लेवल का, स्कूल में, जिसका मौजू था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मैं यूँ कह सकता हूँ बचपन से ही सरकार के टुकड़ों के बला सरकार जो आलम के गदाओं का गदा। तो उस तकरीरी मुकाबले में मैंने स्कूल में पहली पोजिशन हासिल की। फिर इस तरह ये सिलसिला जारी रहा आठवीं तक, टेंथ तक। मैट्रिक के बाद मैं कॉलेज लेवल पर जब मदीना तलौदिया मुल्तान इसी भी कॉलेज में मैंने तालीम हासिल शुरू की, तो उस वक्त मैंने कॉलेज में भी डिप्लोमा ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग किया, अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर भी हूँ। वहाँ पर भी मैंने इस सिलसिले को छोड़ा नहीं, मैंने तकारीरी मुकाबले में हिस्सा लेता रहा। और फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बाद मुझे इस साइड पे मुझे शौक बढ़ा और मैंने नकाबत के लिए कुछ ली, कुछ सीरीज लेके आया बाजार से और उन पर मैंने खूब रोजू करके मेहनत की। आज अल्लाह का मैंने कर्म किया दोस्तों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से और किसी की निगाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मुकाम पर। कहना है कि जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम एक मुलाकात को गनीमत जानते हुए एक खूबसूरत कलाम, इसमें कलाम भी है और पैगाम भी है, ये मैं दोस्तों की नज़र करता हूँ। मदीना पाक में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर मैंने एक कलाम खुद लिखा सरकार की अदा से, वो मैं पेश करता हूँ। मैंने वहाँ कहा कि कंड ना करी सरकार, कंड ना करी सरकार नू रब दे सोहणे यार नू, कंड ना करी सरकार नू काबा कहंदा मेरा काबा, काबा कहंदा मेरा काबा, काबा ए जहरा दा बाबा छड पावे संसार नू, कंड ना करी सरकार नू छड पावे संसार नू, कंड ना करी सरकार नू। और बिलाले हबशी दाए कहना, बिलाले हबशी दाए कहना यार दे नाते सब कुछ सहना, खा लवी हर मार नू पर कंड ना करी सरकार, खा लवी हर मार नू कंड ना करी सरकार नू। कामरान फारूक अमर कादरी में जो कमर है वो मैं शायरी में इस्तेमाल करता हूँ। तो मकते में मैंने क्या लिखा, सरकार के दर पर खड़ा होकर गुंबद खजरा की ज्यारत करते हुए मैंने कहा कि कमर तू अपनिया पलकां उठा के, कमर तू अपनिया पलकां उठा के रौदा पाक से नजरां जमा के वेखदा रह मीनार नूं पर कंड ना करी सरकार, कंड ना करी सरकार नूं। ये थे जनाब जो फारूक कमर साहब और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, उनसे मुलाकात करके। हम उनसे बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने मदद किया उसके बारे में। और आखिर में उनसे मैं कुछ मिस होगा कि वो अपने मामले को कुछ
जी, माह रमज़ान मुबारक के मुबारक अयाम इस वक्त गुजर रहे हैं और इंतहाए रमज़ान की तरफ रमज़ान मुबारक बढ़ रहा है। तो इसे मैं गुजारिश करूँगा सब तक शायद उतर जाए किसी दिल में मेरी खड़ी बात कि जैसे रमज़ान मुबारक में हम नमाजों का अहतमाम करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और छोटों पर शफकत करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, रोज़ा रख के हम नेकी की तरफ रागब रहते हैं और गुनाहों से बचते हैं, इसी तरह ये सिलसिला सारा साल रहे ताकि मुसलमान को देखकर कुफार भी मुसलमान होने की तरफ आए, इस तरफ आए, इस्लाम की तरफ आए, ना कि मुसलमान को देखकर वो यहाँ से कोई प्यार करें। अपने आप को अमली तौर पर सारा साल आइंदा माह रमज़ान मुबारक तक अगर अपने आप को पेश करेंगे और नेकियों की तरफ रागब रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ दुनिया भी अच्छी, कब्र भी अच्छी और आखिरत भी इंशाल्लाह उसमें भी शुक्र होगा। जी, हम बहुत मशहूर हैं आपके पास।